के सप्तम यानी छठा दिवस की वेला प्रारंभ हो रही है। कथा में और जागरण में बड़ा डीपर है। जागरण में बहुत तेज साउंड पोल्यूशन होता है, भजन क्या बोला जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कथाओं में जितना मीठा स्वर होगा उतना ही श्रोताओं को भी आनंद आएगा, तेज साउंड में आनंद नहीं आ पाएगा। आज रुक्मणी मंगल है और आप सब सुंदर सज धज कर आए हैं। भगवान बालमुकुंद आपको आशीर्वाद दे, आपके घरों में सुख हो, समृद्धि हो। और कल भी मैंने आशीर्वाद मांगा था, प्रभु जिनके घर में बालिकाएं हैं, बालक हैं, जिनके योग नहीं बन रहे हैं, किसी का मांगलिक योग है, किसी की नौकरी का योग है, किसी के यहाँ धन संपदा का योग है, प्रभु इस बार सब के योग बना देना। बस पुनः अच्छी सी भागवत हो जाए और हम सब पूरा आनंद से आपका गुणानुवाद कर पाए, ऐसा आशीर्वाद समस्त संगत के लिए आपके श्री चरणों से चाहते हैं। और मुझे लग रहा है कि आज इंद्र भगवान भी पीछे रहने वाले नहीं है। अक्सर गुरुदेव सुनाया करते हैं कि जिनके यज्ञों में इंद्र भगवान नहीं आते उनकी भावनाएं अच्छी नहीं होती, क्योंकि यज्ञ का स्रोत क्या है? जल। और जिन यजमानों के भाव श्रेष्ठ होते हैं या जिन आचार्यों के, साधु संतों के जजमानों के भाव बड़े श्रेष्ठ होते हैं, भगवान इंद्र आदि देवता अपनी समस्त शक्तियों के साथ विद्यमान होते हैं। और चमत्कार मौसम का देखिए, कभी धूप खिल रही है, भगवान सूर्य देव आ रहे हैं, तो कभी इंद्र भगवान छमछम करते चले आ रहे हैं। चूंकि आज कन्हैया की बारात है, कई व्यवधान ना हो, कई दिन से भगवान इंद्र देव अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो यज्ञ है वो सुंदर भाव की ओर अग्रसर हो रहा है। बड़े बड़े संतों ने, मनीषियों ने जब यज्ञ किए और उन यज्ञों में जब इंद्र भगवान नहीं आए, वर्षा नहीं आई, तो पूरी मंडली ने बैठकर एनालाइज किया है, चिंतन किया है, आखिर इंद्र भगवान क्यों नहीं आए। क्योंकि इस धराधाम पर जब जब भी कोई द्रव्य यज्ञ होगा या ज्ञान यज्ञ होगा, तब तब भगवान इंद्रदेव का आना अति आवश्यक माना जाता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की धुरी, यज्ञ का जो फल है वो क्या है? जल है। जब सत्कर्म होंगे तब वर्षा होगी और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होगी और अन्न से हम सब जीवों का जीवन होगा। बोली इंद्र भगवान की जय। तो आज के कथा कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मंच पर भागवत भगवान विद्यमान है, भगवान ठाकुर जी महाराज विद्यमान है, प्रणाम करें और अपनी वाणी से सर्वप्रथम भागवत को प्रणाम करते हुए स्तुति करें, उसके बाद आज का प्रसंग। बोली भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान तेरी बार बार वंदना, भागवत भगवान तेरी बार बार वंदना, श्री भागवत भगवान तेरी बार बार वंदना, बार बार वंदना, हर बार बार वंदना।
बार वंदना। बोलिए भागवत भगवान। बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुना। अगासुर बकासुर कितने सारे असुरों का प्रभु ने उद्धार किया। अभी बाल्य अवस्था है, प्रभु बाल रूप में है, इस रूप में भी आकर प्रभु ने इतने कार्य किए। कोई द्वेष नहीं, उन असुरों को भी प्रभु अपना दिव्य धाम प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसको दयालु कहा है। किनारा नहीं करता किसी से, उसे मारने के लिए कोई आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उससे द्वेष है, उसको भी सायुज मुक्ति प्रदान कर रहा है, इसलिए उसे दयालु कहा है। हमें तो अगर कोई एक बात कह दे तो तुरंत मोटी मोटी आंखें निकालेंगे, क्या मजाल के उसके हम कंधे लग जाएं, उससे हाथ मिलाएं। और किसी बहन ने अगर एक बहन को कोई बात कह दी तो बस ये समझो शाम तक का काम गया। दीनों पर दया करने वाले दयालु प्रभु बाल मुकुंद। बाल अवस्था में आकर देखा कि धर्म के अंदर कौन कौन सी चीज ऐसी है जो विघ्न पैदा कर रही है। गैयां जहां चरती हैं, पानी पीती हैं, क्या देखा कि ये सारा जल विषैला है। कौन? यहां नाग रहता है, कालिया नाग, जिसकी फुंकार से, जिसके विषैले पन के कारण पूरा ही जल प्रदूषित हो रहा है और कोई भी गाय इसको पी ले उसकी मृत्यु हो जाए। तब प्रभु ने जल में जाकर उसको भी सायुज मुक्ति प्रदान की। और नागपतनों ने पूछा है, प्रभु हम रहे कहाँ, हमें कोई भी कहीं देखे तो तुरंत मार ही डालता है, धराधाम पर हमारे रहने का कोई स्थान नहीं है, हमें कोई तो स्थान प्रदान करो। तो देखो कितने दयालु हैं प्रभु। हमारे उत्तराखंड में प्रभु ने उनको भी स्थान दिया। आपको पता है नाग को कौन सा स्थान दिया? शिव मुखेम। कोई गया है हाथ उठाओ? क्या बात है, दो तीन बहने गई है। कभी जाइए नागों के स्थान को भी देख कर आइए, हमारे उत्तराखंड में ही है शिव मुखेम। सारे जीव और जंतुओं को प्रभु ने दयावश कोई न कोई स्थान प्राप्त कराया।
ऐसे दिनों पर दया करने वाले प्रभु की आप कथाएं सुन रहे हैं। और मामा का तो क्या हाल कि वो तो जेल में ही पहुंच गया मारने के लिए। अब प्रभु उसको भी आज कौन सी मुक्ति प्रदान करेंगे, व्यास जी महाराज आपको सुनाएंगे। सदाल वो भागवत तो अनंत है, कोई एक दो घंटे में भागवत नहीं सुनी जा सकती। गुरुदेव अक्सर सुनाते हैं कि भागवत के लिए सारा जीवन कई कल्प भी मिल जाए तो कम है। क्यों? क्योंकि भागवत में 17 पुराण हैं। जो श्रीमद् भागवत 85 है इसमें एक दो पुराण नहीं है, 17 पुराण हैं। अब हम एक पुराण को ले लें कि शिव महापुराण का वर्णन भागवत में है और शिव महापुराण ही इतना अनंत है कि दुनिया में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई विद्वान ऐसा नहीं है जो शिव महापुराण को गायन कर सके। जैसे शिव अनंत है, अभी शिवरात्रि आ रही है, शिव जी ने चिट्ठी भेजी है किसी के यहाँ? आपके यहाँ किसी के निमंत्रण आया? नहीं आया ना, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई है। मुझे भगवान को बेल भी चढ़ाने हैं, भांग की पत्ती भी चढ़ानी है, धतूरे का फल भी चढ़ाना है, बेल की पत्ती भी, तैयारी करने पर लग गए हैं। सोमवार है उस दिन बेल नहीं तोड़ना है, पहले ही तोड़ के रख लो। भगवान ने तो नहीं कहा ना, जो नास्तिक भी होंगे वो भी घर से लोटे ले लेकर के लाइन में खड़े हो जाएंगे, भगवान शिव की कृपा मेरे ऊपर भी हो जाए। एक दिन में हो जाएगा? कितना चातुर है इंसान, उससे चातुर दुनिया में कोई नहीं है। प्रभु को सोचता है बस, प्रभु तो शायद मंदबुद्धि है, मैं ही चातुर हूं। आज शिवरात्रि है, बस 4 बजे क्या रात को ही टपकेश्वर में लाइन में लग जाएगा, भगवान को जलाभिषेक करेगा। अगले दिन तो भगवान जी की छुट्टी है भाई, अगले दिन देवालय में भगवान नहीं है। ऐसे कभी भी शिव कृपा होने वाली नहीं है। जिन्होंने शिव को मनाया है, खुश किया है, उनका इतिहास पढ़े। देखो जो शक्ति है देवी स्वरूपा, जो भगवान के वामांग में स्थापित है, जब उन्हें पता चला कि आपको शिव को प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना करनी पड़ेगी, तो देवी भगवती भगवती ने अपार तप किया है। और ऐसा तप किया है कि दुनिया में कोई उस तप को कर नहीं सकता। हम और आपकी तो बातें ही क्या, कोई नहीं कर सकता। देवी ने नंदा व्रत किया, कहीं 12 वर्षों तक पंचाग्नि का तप किया। हमारे कुछ अखाड़े हैं जिनमें आज भी पंचाग्नि तपा जाता है। अभी जब अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने जब आएंगे तो बाहर धूप में ऐसे उपले लगाते हैं, उनके बीच में जगह बना के आसन लगा के बैठ जाते हैं, पंचाग्नि तपते हैं 10 बजे से 12 बजे तक। एक तो धूप पड़ रही है, कितनी गाढ़ी धूप है, और ऊपर से उपले जल रहे हो तो सारी चमड़ी भी उधड़ने लगती है। 12 वर्षों का तप है जो देवी भगवती ने किया। हमारे बहुत सारे अखाड़ों में आज भी सन्यासी करते हैं। गर्मी के माह में पंचाग्नि तपना और बरसात के दिनों में 4 महीने किसी छत के नीचे ना रहना, या तो शिला पर बैठकर तप करना है या पेड़ के नीचे। अब लगाओ किसी के कपड़े भीग जाए तो थोड़ी देर में ही बदन कहने लगता, नहीं नहीं गीले कपड़े उतारो। रात हो दिन हो बस छत के नीचे नहीं रहना। 4 माह का तप वो है, 4 माह पंचाग्नि, 4 माह का तप बिना छत के रहना है। और जब ठंडियों के दिन आएंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने फिर ठंडे पानी से अभिषेक है। आज महाराज जी का 108 कलश से अभिषेक चल रहा है, पता चला महाराज जी बीच में गोविंदाय नमो नमः हो गए। इस सफर में कई बीच में पूरे हो जाते हैं। कोई ऐसा दिव्य में संत या साध्वी होते हैं जो 12 वर्ष की तपस्या में पास होकर भगवान शिव के कृपा पात्र बनते हैं। श्रद्धालु इतना अपार तप हमारी सनातन संस्कृति में विद्यमान है। हम तो ये सोचते हैं बस एक ही दिन लोटा लिया, भगवान जी को दही दूध फेंका और बस शिव जी खुश हो गए, मुझे फल मिल गया।
ऐसा कदाचित नहीं होना है। अपना समय भी खराब करा और लोटे में जो दूध दही डाल के ले गए वो भी खराब कर दिया। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तो बस तप करना ही पड़ेगा, और 12 वर्षों का तप करने के बाद भी कोई परीक्षा लेने आ गया, पूछ लिया किसकी तपस्या कर रहे हो, कि भगवान शिव की, अरे वो अघोरी जिसका खुद का घर नहीं है। ऋषि मुनि परीक्षा लेने चले गए भगवती की, उसके लिए तप करें, उसे प्राप्त करने के लिए। तुम कहो तो हम तुम्हारा विवाह भगवान कमलापति से करा दे, जो त्रिभुवन सुंदर है, जिनके पास स्वर्ग है, वैभव है, सब कुछ है। भगवती कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो केवल शिव को ही प्राप्त करना है। और श्रद्धालुओं, तप और तपस्या का फल देखो कि सारी तपस्याओं में पास होने के बावजूद भगवान शिव स्वयं, ये जो साकी सुना रहा हूं भागवत के अंदर विद्यमान है, भगवान बूढ़े ब्राह्मण का विष बनाकर आ गए। देवी किसके लिए तप किया है? भगवती ने कहा शिव को प्राप्त करने के लिए नंदा व्रत किया है, तप किया है, तो ठीक है, मैं ही तो शिव हूं, चलो मेरे साथ। भगवान कह रहे हैं आपने तपस्या की है, मैं प्रसन्न हो चुका हूं आपके सम्मुख हो, चलो मेरे साथ कैलाश पर। भगवती ने कहा नहीं स्वामी, ऐसे नहीं, मैं तो पर्वतराज की पुत्री हूं, बारात लेकर आपको मेरे पिताश्री के यहाँ आना होगा, और हिमाचल राज के यहाँ भगवान शिव बारात लेकर गए हैं। हम जब हिमाचल में कथा करने जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, भाई आप तो सब भगवान शिव के ससुराल वाले बैठे हो, खूब आनंद लूटते हैं वहाँ। और आता भी है, ऐसी बात नहीं, बड़े दयालु लोग हैं हिमाचल के, बहुत अच्छे लोग हैं, अक्सर शिव महापुराण बहुत होते हैं वहाँ। स्वामी ऐसा नहीं, आपको मेरे माता और पिता से, मुझे संस्कारों से लेकर आना होगा। श्रद्धालु, ये जो संस्कार है, ये जो सभ्यता है, ये जो कल्चर है, जो आज हमारे पुराणों में दर्शाया जा रहा है, किसके लिए? किसी और के लिए? जब हमारी बच्चियां, हमारी माताएं बैठकर अपने आंगन में इन कथाओं को अपनी बच्चियों को सुनाएंगे, तो क्या मजाल किसी की बेटी सुसाइड कर ले, किसी की बेटी बिना माता पिता के पूछे किसी के साथ ऐसी शादी कर ले? बिल्कुल नहीं कर सकती, उसे मान मर्यादाएं, संस्कार, सब कुछ शिव महापुराण से प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। उसके मन में आभास होगा, महाजनो ये नगत सुपन्ता, जैसे मेरे प्रभु ने, मेरे नारायण ने, मेरे शिव ने किया है, माँ भगवती ने किया है, मैं उनसे बड़ी नहीं हो सकती, मैं भी अपना जीवन ऐसा ही जीना चाहूंगी। संकल्प लेकर जब वो जीवन जीना शुरू करेंगे तो भगवान तो वैसे ही दयालु है, अनन्य कृपा अपने आप करते चले जाएंगे। हम ऐसा करें तो सही, कहाँ करते हैं आज? आज माँ ने अगर जरा सा अपनी बच्ची को डांट दिया, बेटा ये अच्छा नहीं है, बस या तो माँ का सिर फूटेगा और ये बेटी पंखे से लटकी हुई मिलेगी, और बाप ने अगर बेटे को टोक दिया तो या तो बाप का सिर फूटेगा या बेटा नहर में कूदा हुआ मिलेगा। अगले दिन फ्रंट पेज पर न्यूज आएगी, बाप ने डांटा और बेटे ने सुसाइड किया। अध्यात्म ना होने के कारण व्यक्ति आत्मघाती बन जाता है, अपनी आत्मा की हत्या कर देता है। इसलिए माताओं, घर में शास्त्र का होना, शस्त्र का होना, घर में प्रभावशाली नारियों का होना, दिव्य नारियों का होना बहुत आवश्यक है। ये ग्रस्त के तप है, जो कर रहा है उन्हें आनंद है, और जो नहीं कर रहा है तो गधे और घोड़ों की तरह जीवन जियो, मरते रहो, सड़ते रहो, जलते रहो, ना परमात्मा कुछ देने वाला, ना समाज कुछ देने वाला, ऐसे ही संसार से चले जाएंगे। कथा सुनकर अपने जीवन में इस चीज का संकल्प लें, हम आध्यात्मिक बनेंगे, औरों को भी अध्यात्म का उपदेश करेंगे, पुराणों का पठन और पाठन करेंगे, अपने बच्चों को दिव्य में संस्कारों से संस्कारित करेंगे, यही सनातन का संदेश है। तो आइए आज का प्रशंसन करें, बोलिए व्यास जी महाराज की।
आप सभी ने अपनी कमर को सीधा करते हुए ज्ञान मुद्रा में बना करके अपने हाथों को बैठेंगे। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर का ध्यान आप सभी अपने हृदय में करेंगे। मन करो ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रिविनाशाय श्री परमात्मने नमः। नारायणाहि नमो नमः। महादेवाय नमो नमः। सर्वमंगलमांगिने शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मिजं वानरयुते मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपादे। अच्छे से बैगी इधर। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोलो ओम नमो भगवते नारायणम ओम नमो भगवते नारायणम सभी बोले भगवान की श्रीमद् भागवत की आज हम षष्ठम दिवस की बेला पर हैं। व्यास मंच पर श्रीमद् भागवत का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है विगत दिनों में आप सभी को पता चल चुका है, यहाँ आने का फायदा क्या है ये भी पता चल चुका है। व्यास मंच से एक साथ सबसे पहले अपने हृदय से भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे। बोले भागवत भगवान की। समस्त देवी देवताओं का हम सभी को सानिध्य, उनका आशीर्वचन, इंद्र भगवान का आशीर्वाद, साथ में ही समस्त पितृ देवताओं का आशीर्वाद, पूज्य महाराज श्री स्वामी अनुपमानंद गिरिजी महाराज और आप समस्त श्रोतागण, माताएं बहने भाई, व्यासपीठ से एक साथ आप सभी को नमस्कार करते हुए आप सबके लिए भगवान लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों से हम लोग आशीर्वाद की कामना करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चूंकि जीवन में जब बहुत अच्छे पल होते हैं तो बहुत जल्दी व्यतीत होते हैं। इन 7 दिनों का पता नहीं चला कि कब पूर्ण हो गए, और जीवन में जब कष्टमयी पल होते हैं, दुखदायी पल होते हैं, एक एक मिनट काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छे पल हैं हमारे जीवन में, जिन पलों में बैठकर के हम ईश्वरी चिंतन कर रहे हैं, परमात्मा का नाम स्वयं तो ले ही रहे हैं, औरों को भी परमात्मा के नाम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम अकेले में परमात्मा का नाम लेते हैं तो उसका फल कुछ और होता है, जब सामूहिकता में बैठकर के उस नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका अनंत गुना फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आ जाओ। जब तक आप नहीं आएंगे इस मंडप की शोभा नहीं बढ़ेगी और इस कथा की भी शोभा नहीं बढ़ेगी। तो आज चूंकि विवाह है, लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों हमारे मध्य में होंगे, तो उनके लिए सबसे पहले आह्वान है। आह्वान मीन्स उनको बुलाना है। और हमारे पास में क्या है, हम लोग तो पहले से कहते हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हम मंत्रहीन भी हैं और क्रियाहीन भी हैं, लेकिन प्रभु आपका दिया हुआ जो भाव है ना, वो भाव हमारे पास में है, उस भाव को आप लोग स्वीकार करें। उत्साह के साथ में भगवान लक्ष्मी नारायण का आह्वान करें और उसके बाद कथा का रसास्वादन। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में,
और मैं चाहूंगा कि आपकी आवाज मेरे तक आए, और जब आपकी आवाज मेरे तक आएगी तो मैं आपकी आवाज को कैलाश तक पहुंचा दूंगा। दोनों हाथ उठाइए, लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे, बिना लक्ष्मी के कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता। और दोनों हाथ सीधे उठाइए, आना श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में, जय हो श्री भगवान हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लाएंगे आप भी आएंगे, कार्तिक जी को लाएंगे, माता जी को आके राश रचाना हमारे हर कीर्तन में, आके राश भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, जय भवानी। दोनों हाथ उठा करके भोलेनाथ का आह्वान करते हुए, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, कृष्णा जी को लाना, राधा जी को लाना, श्री को लाना, राधा जी को लाना। अभी हम सोच रहे हैं कि हम गाएं कि नहीं गाएं, सब गाने वाले हैं, नाभि से गाइए, गले से नहीं। शरीर के जितने भी रोग हैं, संताप है, पाप है, वो सारे ही समाप्त हो जाएंगे। उत्साह के साथ में बोलिए और बिना वाद्य यंत्र के बोलिए, आप भी आना कृष्णा जी को लाना, आप भी आना राधा जी को लाना, आप भी आना राधा जी को लाना। और जब कृष्णा और राधा आएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, पूरा ही जो मंडप है वो परम आनंद से भर जाए। राधा और कृष्ण जी आकर के क्या करेंगे, अपने भक्तों को परम आनंद से विभोर करेंगे। आके रास रचाना हमारे हर कीर्तन में, आके रास रचाना हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, हरे हरे जय हो।
व्यास मन से महा जो माता है महाकाली है उसके लिए हमारा संदेश है कि माँ आप आ जाइए और भोलेनाथ के साथ में आ जाइए, उनका आह्वान कर रहे हैं हम लोग व्यास मन से। भोले जी भी आएंगे, माता जी भी आएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। भोले जी भी आएंगे, माता जी भी आएंगे, आके डमरू बजाना हमारे हर कीर्तन में, आके डमरू बजाना हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, आना भोले भगवान हमारे हर कीर्तन में, आ जाइए हमारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, तुम्हारे हर कीर्तन में, हमारे हर कीर्तन में, बोले नारायण भगवान की जय। इस कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित शुक्रताल में बैठ करके एक बड़े भाव के साथ में इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अनेका अनेक प्रश्न कर रहे हैं परीक्षित जी महाराज। देखिए जब आप यहाँ बैठ जाओ ना, उस समय आपने हिलना नहीं है, बातें नहीं करनी है, उस समय अपना ध्यान इस माइक पर रखिए। ये विचार प्रतिदिन कथा में सुनाया जा रहा है कि जो समय हमारा बीत रहा है यहाँ पर बैठ कर, वो समय जीवन में कभी दोबारा नहीं आएगा या आ जाएगा। इस समय का हमें सद उपयोग करना है, एक एक विचार को बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना है। परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज कथा को सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण क्या करने गए, गैया चराने के लिए गए। भगवान क्या कर रहे हैं, गैया चरा रहे हैं। गौ माता में कुछ खास देखा है प्रभु ने, तभी तो भगवान गैयों के पीछे चले। अगर इस गाय के अंदर कुछ खास ना होता तो भगवान कभी गैयों के पीछे चलने वाले नहीं। समस्त रुद्राणां, रुद्रों की माता कौन है, गौ माता है। गाय के पास दूध नहीं है, दूध तो भैंस के पास में है, गाय के पास में क्या है, अमृत है। जिस अमृत को पी करके हमारी बुद्धि प्रज्ञावान होती है। गाय का जो ग्रंथ है उसके अंदर स्वर्ण की मात्रा है, गाय का जो मूत्र है उसके अंदर अनेकानेक प्रकार की औषधियां हैं, गाय का जो गोबर है उस गोबर की तो कितनी महिमा शास्त्रों के अंदर है कि उसे तो वाणी ही व्यक्त नहीं कर सकती। इसीलिए तो भगवान क्या करने गए, गाय चराने के लिए गए। और गाय तो बहुत सारी हैं, आप में भी कोई गाय चराने गया होगा, दो चार गैया जब चराने गए होंगे तो पता चला होगा बड़ा मुश्किल भरा काम, आसान काम नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास अनंत गैया हैं, एक गाय नहीं है, अनंत। उन अनंत गैयों को भगवान ने कैसे टैकल किया होगा, विचार करें आप सभी।
वास्तविकता में देखा जाए हम जितने भी जीव है ना, हम भगवान की गौ माता ही है। और भगवान सारे जीवों को कैसे टैकल कर रहे हैं, भगवान सबके हृदय में बैठ करके अपनी प्यारी सी बांसुरी बजा रहे हैं, सबके हृदय में बजा रहे हैं। ऐसा कौन प्राणी है जिसके हृदय में भगवान बैठ करके अपनी बांसुरी नहीं बजा रहे? भगवान तो सबके हृदय में बैठना चाहते हैं, लेकिन आज घर जाकर के चिंतन करना, इस हृदय को हमने क्या बना लिया है, इस हृदय को हमने शमशान बना लिया है, सबसे पहले तो बात यह है। दूसरा, इस हृदय में हमने क्या क्या पैदा कर लिए है, काम क्रोध मद लोभ राग अस्मिता, अनेक प्रकार के शत्रु हमने अपने हृदय में भर लिए हैं। भगवान जिसका भी हृदय खोलते हैं, जिसके भी हृदय के कपाट खोलते हैं, तो उन्हें हृदय में कौन दिखाई देता है, बताओ कौन दिखाई दे रहा है, काम क्रोध मद लोभ राग अस्मिता। भगवान सबके हृदय को खोल करके देखते हैं, पर भगवान को वह हृदय हाउसफुल दिखाई देते हैं। भगवान कहते हैं कि अपने हृदय को निर्मल करो, निर्मल पवित्र करो। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मन जने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जने सो मोहि पावा, निर्मल मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसके हृदय में अभिमान बैठा है, क्रोध बैठा है, छल छिद्र बैठे हुए हैं, भगवान वहां पर कभी बैठना नहीं चाहते। भगवान ने इतनी सारी गइयों को किस तरह से टैकल किया है, भगवान के पास एक बांसुरी है, पहले तो बांसुरी बोलती ही नहीं है, और जब बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है, भगवान के अधरों पर विराजमान है, बड़ा कष्ट सहन किया है इस बांसुरी ने, समझ रहे हैं आप, बहुत कष्ट उठाया है, इतने सारे कष्ट इस बांसुरी ने उठाए हैं कि कल्पना नहीं कर सकते। और किसके लिए उठाए ये सारे कष्ट, केवल भगवान के अधरों पर विराजमान होने के लिए। हम सोचे कि भगवान हमें सहजता में मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे, भगवान के लिए प्रयास करना पड़ता है, और उस प्रयास को क्या कहते हैं, साधना कहते हैं, उसको तप कहते हैं, स्वाध्याय कहते हैं। तो बांसुरी ने बड़ा कष्ट उठाया है, और यही बांसुरी क्या कर रही है, समस्त गइयों को अपने समीप ला करके बिठा लेती है। तो आइए इस बांसुरी की तान को सुनेंगे, जो भगवान के अधरों पर विराजमान है, कितना मीठा बोल रही है, क्या क्या रंग है इसके अंदर, कैसे प्रत्येक जीव को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बोले बांके बिहारी लाल की, पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है पागल कर जाती है, मुस्कान है।
भगवान ने अपनी बांसुरी से, उसकी तान से, बांसुरी के वाइब्रेशन से समस्त गइयों को अपने पास में रख दिया। बांसुरी की तान को सुनकर के जो जड़ था वह चेतन हो गया, और जो चेतन था वह क्या बन गया? जड़। यमुना महारानी के सानिध्य में भगवान गैया चरा रहे हैं, तो यमुना का जो जल है वो जड़ था, बांसुरी की तान को सुनकर के उसके अंदर ज्वार उत्पन्न हो गया। गैयों ने जब बांसुरी को सुना तो भगवान के समीप आकर के बैठ गई और अपने कानों को भी हिलाना बंद कर दिया। तो गाय क्या थी? चेतन। वह जड़ हो गई, और जो जड़ था वह क्या बन गया? चेतन बन गया। एक दिन भगवान गैया चराने के लिए गए, अगले दिन सारी समस्या को उन्होंने समझ लिया कि गाय चराते समय कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अगले दिन गांव गाय चराने नहीं गए, क्रीड़ा के माध्यम से शेष नाग के ऊपर भगवान ने अपनी कृपा की और देवभूमि उत्तराखंड सेम मुखीम जगह शेष नाग को प्रदान की। भगवान के साथ में जितने भी गोपियां हैं, भगवान उन गोपियों को भी ज्ञान देना चाहते हैं। ये गोपियां क्या करती हैं? सुबह उठती हैं ब्रह्म मुहूर्त में और यमुना में जाकर के स्नान करती हैं, और स्नान करने के बाद में रेत से माता कात्यायनी की मूर्ति बनाती है। कात्यायनी चे महामाई, हे जगदम्बे माता, ये जो कृष्ण है हम इसे पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। इन गोपियों का ये भाव है। भगवान ने देखा ये गैया, ये गोपियां अक्सर नग्न होकर के स्नान कर रही हैं, इनको ज्ञान देना चाहिए। पहले तो भगवान ने इन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन ये नहीं समझी। फिर एक दिन इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त में जब गोपियां स्नान कर रही हैं तो भगवान बाल मुकुंद आए और इन गोपियों के वस्त्र उठाए, कदम के वृक्ष पर जाकर के बैठ गए। गोपियां स्नान करके बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, अपने वस्त्रों को ढूंढ रही हैं, लेकिन उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, ये कैसा भगवान है? पराई स्त्रियों के वस्त्र उठा करके वृक्ष पर बैठा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन भागवत सुनाने से पहले मैंने आपको राम कथा सुनाई है,
सुनाई है कि नहीं सुनाई है? और राम कथा क्यों सुनाई है? राम कथा सुनकर के जो व्यक्ति मर्यादित होता है तभी वह कृष्ण कथा को सुन सकता है। जो व्यक्ति मर्यादित नहीं है वो कभी कृष्ण कथा को नहीं सुन सकते। आइए एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जब इस लीला को कर रहे हैं उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र 7 से 8 वर्ष के बीच में है, और 7 से 8 वर्ष का कोई भी बालक होता है उसके अंदर काम नहीं होता। और कृष्णा इन गोपियों को किस रूप में देख रहे हैं? एक जीव के रूप में देख रहे हैं। तो एक जीव में और परमात्मा में किस चीज का पर्दा है? केवल इन वस्त्रों का पर्दा है। आज भगवान इनके अज्ञान रूपी वस्त्र उतार रहे हैं और इन्हें ज्ञान रूपी वस्त्र दे रहे हैं। गोपियां आग्रह कर रही हैं, कृष्णा हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान कह रहे हैं, अरे गोपियों, मेरे अलावा कोई और व्यक्ति आपके वस्त्र उठा लेता तो तुम घर कैसे मिल जाते? और जब तुम नग्न होकर के यमुना में स्नान कर रही हो, तुम्हारे जीवन में 2 पाप लग रहे हैं, एक लौकिक पाप है और एक आध्यात्मिक पाप है। पापों से बचने के लिए क्या करना है? पापों की जो गति है वो बड़ी गहन है, कर्मणा गति गहनो, इतनी गहन गति कि बड़े बड़े योगी भी समझ नहीं सकते कि हम पाप कर रहे हैं या हम पुण्य कर रहे हैं। भगवान ने आज इन गोपियों को संपूर्ण ज्ञान दिया, इनके वस्त्र लौटाए और इन गोपियों से एक वायदा किया, आने वाली श्रद्ध पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ में ब्रह्मांड में होगा, उस रात्रि के साथ में आप समस्त गोपियों का जो संकल्प है, आपके साथ में जो रास करने का जो संकल्प है, वो संकल्प क्या होगा? पूर्ण होगा। बोले नारायण भगवान की। जब भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों को आशीर्वाद देकर के, ज्ञान देकर के जब घर गए, तो घर जाकर के क्या देखा कि समस्त ब्रजवासी 1 वर्ष में इंद्र भगवान का पूजन करते हैं। इंद्र भगवान के लिए नाना प्रकार के भोग सामग्री एकत्र करते हैं और इंद्र की प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के व्यंजन भी तैयार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण विचार करने लगे, जब मैं इन ब्रजवासियों को प्राप्त हो गया हूँ, मिल गया हूँ, तो इन्हें अन्यत्र देवताओं के पास जाने की आवश्यकता क्या है? आज अपने बाबा से बात कर रहे हैं कि बाबा, ये जो सब भोग प्रसाद आप बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र, ये भोग प्रसाद तो हम इंद्र के लिए बना रहे हैं। इंद्र प्रसन्न होते हैं, वर्षा होती है और हमारे खेतों में अन्न की उत्पत्ति होती है। बोले बाकी बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा वास्तविकता में हमारे देव इंद्र नहीं है, तो हमारे देव कौन है? हमारे देव वो हैं जिनके सानिध्य में हमारी गैयां स्वच्छंद रहती हैं, स्वच्छंद विचरण करती हैं, और हमारे देव अगर कोई है तो गिरिराज महाराज है। हमें अगर सम्मान करना है, हमें अगर पूजन करना है, तो गिरिराज महाराज का करना है। नंद बाबा कहते, पुत्र अगर इंद्र नाराज हो गए तो उनके कोप से हमें बचाएगा कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते, बाबा मेरे कहने से एक बार गिरिराज महाराज का पूजन करके देखो, वह देव हमें साक्षात दर्शन भी देंगे और इंद्र के कोप से भी बचाएंगे। तो आज इंद्र भगवान का पूजन बंद हुआ और समस्त ब्रजवासियों ने 56 प्रकार के भोग किसके लिए बनाए? गिरिराज महाराज के लिए। समस्त ब्रजवासी अपना अपना भोग अपने अपने पात्रों में सजा करके ग्वाल बालों को संग लेकर के कहां पहुंचे? गिरिराज महाराज। हरि त्रिपर कोप कर रहा ब्रज पर कि नख पे गिरिवर
को उठाने आओ कि नख पे गिरवरी को उठाने आओ और श्याम मुरली को बजाने आओ श्याम मुरली को बजाने आओ और अपनी राधा को मनाने आओ चार से पूजन किया गिरिराज महाराज का मानसी गंगा को गिरिराज महाराज के हृदय से प्रकट किया बोली मानसी गंगा महारानी की हरिओम गिरिराज महाराज का पूजन हुआ समस्त ब्रजवासियों ने आग्रह किया पर्वतराज देवराज ये भोग हमने आपके सम्मुख रख दिया है आप हमें प्रत्यक्ष दर्शन भी दो और इस भोग को स्वीकार भी करो समस्त ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं और गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे हैं तो आइए मन से हमारे पास में क्या है मन है कि नहीं है सबके पास में है ना तो आइए मन से हम लोग भी गिरिराज महाराज को यहीं पर बैठे बैठे भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे सबके घर परिवारों में सुख और शांति हो गिरिराज महाराज की श्री और श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा तेरे माथे मुकुट विराज रहा परिक्रमा देखिए यदि मथुरा के अंदर जाकर और परिक्रमा करेंगे तो 21 किलोमीटर बैठते हैं एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है तेरी साथी कोस की परिक्रमा 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 और चकलेश्वरी विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज गिरिराज भगवान की इंद्र भगवान नाराज अपने बादलों को आदेश किया कि जाओ वर्षा करो और धीरे धीरे वर्षा होने लगी समस्त ब्रजवासी त्राही माम करने लगे भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने लगे भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग से अपनी शक्ति से
गिरिराज महाराज को ही अपने नख पर धारण कर लिया और समस्त ब्रजवासी आकर के उसके नीचे उपस्थित हो गए। इंद्र भगवान की जो बादल है उनके पास जो जल है वो जल क्या है, सीमित है। एक समय ऐसा आया कि समस्त जल समाप्त हो गया। इंद्र अपने अभिमान को त्याग कर भगवान के श्री चरणारविंद में उपस्थित हो गया और प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, भगवान ने इंद्र को माफ किया लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया था। सुखदेव जी महाराज कहते कि हाँ, ब्रह्मा जी ने भक्त भगवान से क्या किए, दूर कर दिए। जो संसार में भक्तों को भगवान से दूर करता है उस व्यक्ति पर भगवान कभी खुश नहीं होते। जो भक्तों को भगवान से जोड़ देता है, भगवान के सानिध्य में ले आता है, उससे भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इंद्र को इसीलिए माफ कर दिया क्योंकि समस्त ब्रजवासी भगवान के साथ खड़े हैं। बोले नारायण भगवान की जय। और धीरे धीरे अब समय आ गया शरद पूर्णिमा का। जिस शरद पूर्णिमा का एक वायदा है इन गोपियों से कि अरे गोपियों, जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो मैं आपके साथ में राश करूंगा। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में वन में गए और वन में जाकर के अपनी बांसुरी को बजाने लगे। गोपियां भगवान से जुड़ी हुई हैं, उसकी आत्माएं जुड़ी हुई हैं भगवान से। प्रत्येक गोपी को ऐसा महसूस हो रहा है कि कृष्णा हमें वन में बुला रहा है। अपने अपने कार्यों को विराम किया, समस्त गोपियां रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण के लिए सजने लगी, संवरने लगी। सुंदर श्रृंगार करके समस्त गोपियां वन के लिए प्रस्थान करने लगी। एक नहीं, दो नहीं, हजारों गोपियां हैं, लाखों गोपियां हैं। इन गोपियों ने साधना करके गोपी पद को प्राप्त किया है। गौ, इनमें कोई साधन सिद्धा है, जिसने साधना करके अपने आप को सिद्ध किया। कोई मत्स्य कन्या है, कोई देव कन्या है। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि गोपी बन करके आए हैं और ये समस्त गोपियां कहां जा रही हैं, रात्रि में वन को जा रही हैं। भगवान ने इन गोपियों को जब अपने समीप देखा तो सबसे पहले इन गोपियों का स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। हे गोपियों, आपका क्या है, स्वागत। इतनी रात्रि में तुम सब कुछ त्याग करके मेरे पास चली आई। जब गोपियां भगवान के पास आ गई हैं और गोपियां कृष्णा के साथ में क्या करना चाहती हैं, रास करना चाहती हैं, लेकिन कृष्णा सबसे पहले देखना चाहते हैं इनके अंदर रास करने की क्वालिटी है कि नहीं है, योग्यता है कि नहीं है। भगवान इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं और किस प्रकार की परीक्षा ली है। पहले तो स्वागत किया है, बुलाया है ना गोपियों को। अब जैसे आप लोग कथा में आते हैं, कथा में व्यास लोग आपको बुला लेते हैं, फिर आपके अंत्यकरण को देखते हैं कि किस बहन के अंदर भाव है, किसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, कौन धार्मिक है, कौन धार्मिक नहीं है। भगवान इन गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं कि जाओ, तुमने वन नहीं देखा था, वन देख लिया, अब जल्दी से अपने घर को लौट जाओ। तुम समस्त गोपियां पतिव्रता नारियां हो, जाओ जाओ अपने घर लौट जाओ। गोपियां मन ही मन चिंतन कर रही हैं, पहले तो वन में बुलाया और अब हमें घर जाने के लिए कह रहा है, फोर्स कर रहा है कि जाओ घर लौट जाओ। भगवान उन गोपियों के अंदर क्या देख रहे हैं,
अगर इन्हें अभी संसार की याद है, अपने बच्चों की याद है, अपने पतियों की याद है, अगर इन्हें संसार का चिंतन है तो जाओ संसार में जाओ, अभी तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान यही देखते हैं। जब जीव के अंदर सच्चा समर्पण होता है, परमात्मा के प्रति अनुराग होता है, जीव का हृदय निर्मल होता है, तो भगवान उस जीव के साथ में क्या करते हैं, रास करना प्रारंभ करते हैं। गोपियां कहती हैं, जब सच्चे पति आप मिल गए हो तो अब हमें कौन से पति के पास में भेज रहे हो। गोपियां, उनका हृदय निर्मल है, गोपियां पवित्र हैं और प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के नाम का वे चिंतन करती हैं। कि हर घड़ी आती सताती है सौतन बनकर, कि हर घड़ी आती सताती है सौतनी बनकर, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगनी बनकर, मैं फिरूं शाम तेरे नाम की जोगनी बनकर। एक जमाना था बुलाने से चलाता था, एक जमाना था बुलाने से चलाता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। श्याम सुंदर भगवान की जय। भगवान एक है और गोपियां अनेक है, इतनी गोपियों के साथ भी भगवान कैसे राज करेंगे। कृष्णा तो एक है ना और गोपियां क्या है, अनेक है। तो भगवान ने अपनी लीला को प्रकट किया है, दो दो गोपी
और विच विच माधव। दो दो गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हो गए और गले में गलभैया डाल करके भगवान गोपियों के साथ में क्या करने लगे, रास करने लगे, रास प्रारंभ हो गया। जब गोपियों के रास साथ में भगवान रास कर रहे हैं तो कुछ समय बाद गोपियों को रास करते करते अभिमान हो गया, कितने सुंदर हैं हम लोग, जगत के स्वामी हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। जो घराती लोग बैठे थोड़े थोड़े आगे हो जाएं, भारत को जगह गोपियों को सुंदरता का अभिमान हुआ कि हम कितने सुंदर हैं, जगत के स्वामी हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, आपने पहले देखा होगा जब बारात चढ़ती थी ना, बाराती आते थे तो बंदूकें भी लाते थे, तो देवताओं का कार्य होना इसलिए देवता लोग अपनी बंदूकें भी ला रखे, डरिए नहीं। गोपियां बुलाते हुए अभिमान में है और प्रभु को अभिमान प्रिय नहीं है। जब भगवान ने देख लिया कि गोपियां अभिमान में आ चुकी हैं, तो भगवान ने अपनी लीला को समेट लिया। भगवान अपनी लीला को समेट चुके हैं और गोपियों के अंदर जो तेज था, जो उमंग थी, जो उत्साह था, वो भगवान की वजह से तो था। जब भगवान ने अपनी लीला को वहां पर छिपा लिया और भगवान इन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए, तो गोपियां अब भगवान को ढूंढने लगी, खोजने लगी, कभी वृक्षों से पूछ रही हैं, कभी जंगल झाड़ियों से पूछ रही हैं, और जब भगवान का उन्हें कहीं पता नहीं चला तो भक्ति महारानी जो यमुना है उसके सानिध्य में पहुंच गई हैं और वहां बैठ करके 19 श्लोकों में गोपी गीत गा रही हैं, अपना भाव प्रकट कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। बोले नारायण भगवान की, तव कथा मृतम तत्व जीवनम कवि भिरंडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणंती भूरिदा जना। रो रही है और रुदन कर रही है और कह रही है कि जब तक आपकी कथा हमारे हृदय में चल रही है, आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है, जीवन देने वाली है, तब तक ही हमारा जीवन है। अगर आज आप हमें प्राप्त नहीं हुए तो हम यहीं पर रुदन करते करते समाप्त हो जाएंगे। जब गोपियां रुदन कर रही थी तो उनका अभिमान भी आंसुओं के द्वारा बाहर निकल रहा था और जैसे ही उनका हृदय पवित्र हुआ तो भगवान गोपियों के मध्य में दोबारा प्रकट हुए। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। गोपियां बड़े भाव से प्रभु को डांट रही हैं, उनको स्पर्श कर रही हैं और कह रही हैं कि आप हमें छोड़ करके कहाँ निकल गए थे। भगवान अब इन गोपियों से कह रहे हैं कि अभी तो मैं आपके साथ में रास कर रहा था, लेकिन अब मैं आपके साथ में महाराज करूंगा। जैसे ही महाराज का नाम लिया तो महाराज देखने की इच्छा तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भी है। पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मेरी इच्छा है कि ब्रजमंडल में महाराज हो रहा है, क्यों ना मैं उस महाराज में जाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तुम अकेले ही महाराज में जाओगी, हमें संग में लेकर के महाराज में नहीं जाओगी।
पार्वती ने कहा कि स्वामी रास में केवल स्त्री ही जा सकती है, कोई पुरुष नहीं जा सकता। तो भोलेनाथ कहते हैं कि स्त्री जो स्वरूप है, मेरे मन में भी एक बार इच्छा व्यक्त हुई क्यों ना मैं एक बार स्त्री बनूं। तो 100 दिन वो आज आई गया है, आप मुझे अपनी सखी बनाओ और मुझे महाराज में लेकर के। बोले शंकर भगवान की जय हो। और एक दिन वो भोला भंडारी अब तो पूड़ियां पकाने लगे। और एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए रे, रास में आ गए रे। पार्वती भी मना के हारी, नामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए रे, रास में आ गए रे। एक दिन वो भोला भंडारी बनके ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, नामा ने त्रिपुरारी रास में आ गए रे, रास में आ गए रे। जय हो रास में आ गए। पार्वती से बोले भोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। विनय करने लगे भोलेनाथ, माता पार्वती से कहने लगे कि मुझे जरूर लेकर चलो। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तो है रास में आ, रास में मोहन के सिवा वहां पर तू जा न जावे कोई साथ में आ, रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए रे, रास में आ गए रे। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए रे। लगी कि वहां हंसी करेंगे। उधर भोलेनाथ कहने लगे ऐसा बना दो मुझे, जाने ना कोई इसी राज को, इसी राज को। और मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली रास में आ गए, रास में आ गए रे। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए रे, रास में आ गए रे। उधर शंकर जी पहुंच जाते हैं, हंस के मोहन ने कहा
खिसक गई जब सारी हंसाए बनवारी रास में आ गए रे रास में आ गए रे। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए रास में आ गए रे रास में आ गए। कहा है ऐ मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर बड़ा नाम है बड़ा नाम है ब्रज मंडल में तेरा भारी बनाया हुआ धाम है धाम है। इन चरणों में जाम बलहारी दास प्रभु में बारी रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए रास में आ गए। भोली भागवत भगवान की जय हो। महाराज ब्रजमंडल में प्रक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये जो महाराज हो रहा है इन गोपियों के साथ में जो महाराज हो रहा है महाराज का कारण क्या है और भगवान इन गोपियों के साथ में रास महाराज क्यों कर रहे हैं। वैसे तो शोभा नहीं देता लेकिन फिर भी आप बताने की कृपया करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान कभी किसी स्त्री के साथ में महाराज नहीं कर रहे हैं। गोपियां शरीर करके अपने घर में है उनकी जो आत्मा है उनका जो मन है उनका जो वचन है और उनका जो कर्म है वो भगवान के साथ में महाराज कर रहा है। और ये महाराज भी भगवान क्यों कर रहे हैं केवल काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राज कर रहे हैं। जब महाराज हो रहा है राजा प्रक्षित वहां पर कामदेव उसकी पत्नी रति उसके पुत्र बसंत सब विद्यमान है और मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो काम और क्रोध ही तो है। जब मनुष्य के शरीर में काम आता है तो समस्त ज्ञान नष्ट हो जाता है स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए काम के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने ये महाराज किया है। और भगवान वैसे महाराज या रास करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान किसके लिए प्रकट हुए हैं भगवान के कार्य क्या है राजन उनको सुनो। भगवान किस लिए आए हैं ना तो कृष्णा रास करने के लिए आए हैं ना वो चूड़ी बेचने के लिए आए हैं ना ही वो माखन चोरी करने के लिए आए हैं। अब उनका जो विशेष कार्य है जिसके लिए भगवान आए हैं वो कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। बोले बाकी भी हरिलाल की जय हो। भगवान किस लिए आते हैं जब संसार में अधर्म का बोलबाला होने लगता है अधर्म बढ़ने लगता है पापी लोग बढ़ने लगते हैं जब जब होई धर्म की हानि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुरी महाभिमानी बाढ़ ही असुरी महाभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा अरे संकट पीरा रहुनाथ प्रभु संकट पीरा मंगल भवनी मंगल हारी सभी बोले मंगल भवनी मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम
भोले नारायण भगवान की जय हो। कंस को बड़ी चिंता है अपने काल की, कैसे मैं अपने काल को समाप्त कर दूं, कितनी जल्दी समाप्त कर दूं। आए दिन कंस कोई न कोई राक्षस वहां पर भेजता ही रहता था। अब कंस ने अपने समस्त सेनापतियों से विचार विमर्श किया कि कैसे कृष्णा को मारा जा सकता है। सबके अलग अलग विचार थे। कंस को सलाह दी गई कि आप मथुरा में एक मेला लगाओ और उस मेले में आप संदेश भेजो कृष्णा को। और हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, चाणूक है, मुष्टिक है, जब कृष्णा यहाँ पर आएंगे तो उसे यहीं पर मार दिया जाएगा। कृष्णा के पास संदेश लेकर के कौन जाएंगे? अक्रूर जी महाराज। इस प्रकार की प्लान, योजनाएं कंस ने तैयार की है भगवान को मारने की। और उस समय भगवान की जो उम्र है वो 11.5 वर्ष है। 11.5 वर्ष की उम्र में अक्रूर जी महाराज जो कंस के सेनापति हैं, वह संदेश लेकर के आ रहे हैं नंद बाबा के पास, माता यशोदा के पास। और अक्रूर जी महाराज सोच रहे हैं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैं कृष्णा को मथुरा में आने के लिए संदेशित कर रहा हूं और कंस यहां पर योजनाएं बना रहा है, प्लान कर रहा है मारने की। अब यहां से एक नया अध्याय भगवान के जीवन का शुरू हो रहा है। भगवान का जो जीवन था ना, वो ऐसा नहीं था कि वो शांति बस शांति से बैठे रहे या शांति से। भगवान का जीवन है संघर्ष में। और हम क्या सोचते हैं, आराम की जिंदगी, आराम की लाइफ, हमें कोई कुछ बोले ना, हमें कुछ छेड़े ना, शांति से रहे हम। जीवन शांति नहीं है, जीवन एक संघर्ष है। वो अपने लिए भी है औरों के लिए भी है संघर्ष। द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति है जीवन। जिसके जीवन में मुश्किल सहन करने की शक्ति नहीं है वो जीवन नहीं हो सकता। मुश्किलों को जिसने सहन किया है वही जीवन है। नंद बाबा के पास जब अक्रूर जी महाराज आए संदेश लेकर के, यशोदा माता ने तुरंत ही मना कर दिया। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, जब तक मैं मथुरा में नहीं जाऊंगा तो कंस जैसे आतताई का अंत नहीं हो पाएगा। मेरा जन्म ही आतताइयों को समाप्त करने के लिए मिला हुआ है। मेरा जन्म ही धर्म के लिए मिला है, धर्म को स्थापित करना है। कंस जैसे हजारों राजा आज जिन्होंने प्रजा के ऊपर अत्यधिक कर लगा दिया है, प्रजा काम कर रही है, राजा आनंद में बैठे हुए मौज ले रहे हैं, प्रजा दुग्ध घृत का उत्पादन करती है और राजा लोग उसको छीन लेते हैं, राजा प्रजा के धन को हरण कर रहे हैं। एक कंस ही नहीं है, हजारों राजाएं ऐसा कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा आवाज़। भगवान ने बाबा से कहा कि बाबा मैंने मेला देखा भी नहीं है और मेरे मन में मेला देखने की बड़ी इच्छा है। अक्रूर जी आए हैं, हम जरूर मेले में जाएंगे। और एक दिन की तो बात ही है, कल जाएंगे और एक दिन मेला देखेंगे, उसके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। माता यशोदा कभी कृष्णा को नहीं भेजना चाहती, वो अपने हृदय से कृष्णा को दूर नहीं करना चाहती। माँ के अंदर ममता है, कृष्णा के बिना एक पल नहीं रहना चाहती। लेकिन भगवान के मन में मेला देखने की इच्छा है। अक्रूर जी महाराज के साथ में कृष्णा
और बलराम दोनों ही भाई नंद बाबा के साथ में जितने भी ग्वाल बाल थे वो भी सब मेला देखने के लिए चल दिए हैं। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी महाराज को अपने स्वरूप का दर्शन कराया है एक सरोवर में स्नान करते समय, और समस्त मथुरा वासियों की इच्छा थी कि हम कृष्णा को देखना चाहते हैं, जिसने पूतना को मारा, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, हम उसको देखना चाहते हैं। माताएं कृष्णा की प्रतीक्षा में थी जबकि कंस ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन माताएं कृष्णा को देखना चाहती हैं। जो योगी हैं वो कृष्णा को देखना चाहते हैं, संत महात्मा कृष्णा को देखना चाहते हैं कि वो कौन है। और मथुरा की गलियों में जिधर भी कृष्णा निकल जाते थे उधर ही उनको देखने के लिए, उनके स्वागत के लिए भीड़ लग जाती थी और अनेक अनेक व्यक्तियों के ऊपर कृपा की। कंस के पास एक धनुष था और उस धनुष के विषय में ऐसा कहा गया है कि जो भी उसको धनुष को तोड़ेगा 24 घंटे में कंस की मृत्यु उसके हाथों हो जाएगी। तो भगवान ने उस धनुष को भी तोड़ा, एक बहुत बड़ी रंग भूमि बनाई गई, बड़े बड़े पहलवान ऋषि मुनि नगरवासी वहां पर बैठे थे, बड़े बड़े पहलवान अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, कंस बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ था। जैसे ही भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में उस रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, भगवान को जो जिस दृष्टि से देख रहा था भगवान उसको उसी भाव में दिखाई दे रहे थे। जो भगवान को सामान्य रूप में देख रहे थे उन्हें बिल्कुल साधारण ही दिखाई दे रहे थे। बड़े बड़े योगी तत्व वेता महात्मा जो वहां पर बैठे थे उन्हें तत्व के रूप में भगवान दिखाई दे रहे थे, पहलवानों को बल के रूप में दिखाई दे रहे थे और कंस को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले चाणक्य और मुष्टि का उद्धार किया, उसके बाद कृष्णा जैसे ही कंस के पास में पहुंचे एक उंगली का प्रहार किया, जागर के मुकुट दूर गिरा। कंस अपने सेनापतियों को बुलाने लगा। कृष्णा ने कहा कि आज कोई नहीं आएगा, आप अपने नेत्र खोलो और मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जैसे ही कंस ने कृष्णा को देखा एक मुष्टि का प्रहार किया, कंस रक्त उगलते उगलते भूमि पर गिर पड़ा। कंस की दो पत्नी हैं अस्थि और प्राप्ति, वह रुदन करते हुए आई। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मानी और रोते रोते अपने पिता जरासंध के पास में लौट गए। देवकी और वसुदेव ने जन्म लेने के बाद से आज भगवान श्री कृष्ण बलराम समस्त ग्वाल वालों को देखा और भगवान को देखते ही देवकी ने वसुदेव ने अपने अंक में भर दिया। 11.5 वर्ष की अवस्था में देवकी और वसुदेव अपने पुत्र का दर्शन कर रहे हैं। नंद बाबा आग्रह कर रहे हैं, कृष्णा आप मैया यशोदा से कह करके आए हो, एक दिन की तो बात थी, आपने मेला देख लिया है, अब घर वापस लौट जाओ। कृष्णा कहते बाबा ये जितने भी ग्वाल बाल आए हैं अब इन समस्त ग्वाल बालों को लेकर के आप लौट जाओ, अब मुझे आने में कुछ देर लगेगी, कुछ समय लगेगा। देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को देखा और पुत्र को देखते ही सबसे पहले उन्हें किस चीज की चिंता हुई, विद्या की चिंता हुई। पुत्र को ज्ञानवान बनाना है और कहाँ भेजना है कृष्णा को, सबसे पहले गुरुकुल में भेजना है। माता और पिता को सबसे पहले चिंता किसकी है, अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। मेरे बच्चे टैलेंटेड बने, विद्या ददाति विनियम, विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। तो देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ भेजा, सांदीपन ऋषि के आश्रम में भेजा। वहां जाकर के भगवान ने समस्त विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, धर्म शास्त्र नीति, किसके सानिध्य में जाकर के, सांदीपन ऋषि के सानिध्य में। बिना गुरु के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में गुरु तो आए ना और डायरेक्ट हम लोग जो है भगवान तक पहुंच जाए, ना हमें साधना का ज्ञान है, ना मंत्रों का ज्ञान है,
ना ही हमें किसी आसन का ज्ञान है, कैसे माला चलानी है, कैसे मंत्र बोलना है, कैसे भगवान का आह्वान करना है, किस समय करना है, किस समय नहीं करना है। हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, वो देखा देखी भक्ति कर रहे हैं। अभी जैसे शिवरात्रि आएगी ना, तो मेरी पड़ोसन जल चढ़ाने के लिए जा रही है, तो आज मैं भी जल चढ़ा करके आऊंगी, देखा देखी भक्ति में लगे हुए। ना हमें रीजन का पता है, ना विधि का पता है, ना कोई तरीका पता है, बस बस हम लग पड़े हैं, बस देखा देखा देखा। जब तक एक मार्गदर्शक हमारे जीवन में नहीं होगा ना, एक गुरु हमारे जीवन में नहीं होगा, और समय समय पर हम जहां जहां पर भी भटक रहे हैं, उस भटकन को जो दूर नहीं करेगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए बिना गुरु के उद्धार नहीं हो पाएगा। अब गुरु भी तो कैसा बनाना है, बहुत सारे गुरु है ना, या नहीं है? बहुत सारे गुरु हैं। शास्त्र कहता है सबसे महानतम गुरु कौन है, सबसे श्रेष्ठ गुरु कौन है। शास्त्र ने तो कहा कि कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्णा ही सबके गुरु हैं। रामायण ने भी कहा शंकर बंदे जगत गुरु, भगवान शिव ही सबके गुरु हैं। वास्तविकता में गुरु जीवन में वही है जो आपके हाथों में सबसे पहले गौ माता की सेवा पकड़ा दे। किसकी सेवा पकड़ाए? गौ माता की। जो आपको गौ माता की सेवा करना सिखा दे, जो गौ माता की अलग आपके हृदय में जगा दे, वही वास्तविकता में सबसे श्रेष्ठ और सबसे महानतम गुरु है। कृष्णा क्या करते हैं बताओ, क्या कर रहे हैं कृष्णा? कृष्णा की कहा ना कि कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो कृष्णा कर क्या रहे हैं? कृष्णा के पास में क्या है? गाय है, गाय। अगर कृष्णा को आपको प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले किसकी सेवा करनी पड़ेगी? हैं? गाय माता की। इस सफर में बहुत सारी बहनें आती हैं, कहती हैं महाराज जी हमें भी मंत्र दे दो, हमें भी कुछ दे दो, हमें भी दीक्षा दे दो। दीक्षा लेने से पहले, मंत्र लेने से पहले अपने हृदय में गौ माता के प्रति प्रेम जागृत करो। हमारी सनातन संस्कृति के चार ही तो स्तंभ है। सबसे पहले कहा कि गौ, गंगा, गायत्री, गीता। सबसे पहले पहले क्लास में तो कदम रखो, गाय माता की सेवा के प्रति तो आगे आओ। ऐसा कौन सनातनी है जिसके घर में गाय माता का अंश नहीं है? सबके घर में, लेकिन निकालता कौन है? मंदिरों में खड़े होकर के कहते हो कि गौ हमारी माता है, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो अगर गाय ने कुछ हमारी जरा सी साग सब्जी खा ली ना, उसके ऊपर कहीं पानी फेंकेंगे, कहीं डंडा मारेंगे। तो कौन सी दीक्षा का आह्वान कर रहे हो आप? कौन से मंत्रों का आह्वान कर रहे हो आप? शास्त्र ने कहा कि गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। सबसे पहला धन शास्त्र ने क्या बताया? गौ धन बताया है। अब धन भी चाहिए ना आपको, ज्ञान भी चाहिए ना आपको। वो ज्ञान, वो धन, वो ऐश्वर्य किसके पास में है? गौ माता के पास में है। तो गुरु कौन है? गुरु वो है जो आपको सबसे पहले गौ माता की सेवा बताए। जब तक आप गौ माता की सेवा नहीं करेंगे ना, आप अनेका अनेक सत्संगों में चले जाओ, बहुत सारे सत्संग हैं, चल रहे हैं, मिशन चल रहे हैं, थोड़े से दिन आप चलेंगे उनके साथ में, थोड़े से दिन उनका मंत्र जाप करेंगे, लेकिन हट जाओगे, लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। आपको अगर दीक्षा लेनी है तो सबसे पहले गौ माता के प्रति अपना ध्यान लगाओ। गौ माता के पास में सब कुछ है, उसे एक क्षेत्र की माता नहीं कहते। आप सोच रहे होंगे कि एक क्षेत्र, गौ विश्वेश माता, पूरे विश्व की माता बताई गई है गौ माता। गौ माता को प्रसन्न करो, दीक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, मंत्र मिलेगा,
नहीं प्रसन्न करते तो जो ज्ञान गुरु के द्वारा आपको मिलेगा भी ना, उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं होगा। ऋषि मुनियों का अनादि काल का वर्णन उठा करके देखो, जिन आश्रमों में गौ माताएं रहती थी आज भी उन ऋषियों के नाम गाए जा रहे हैं। तो करेंगे आप सभी गौ माता की सेवा? सोच रहे हैं आप लोग करेंगे? आप सारे गोपाली तो बैठे, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अपने घरों में ही गैया बांध लें। अगर घर में जगह नहीं है तो गौशाला में आइए और दोनों हाथों पर गुड़ रख करके गौ माता को खिलाइए। आपके हाथों में अगर कोई गलत रेखा भी है ना, वो भी समाप्त हो जाएगी। गौ माता के लिए प्रतिदिन सुबह उठ करके सबसे पहले गौ माता का ध्यान करिए और गौ माता का ध्यान करते हुए प्रतिदिन एक रोटी अपने घर से निकालिए। आपके अन्न के अंदर स्वच्छता पवित्रता बन जाएगी, आपके धन में पवित्रता बन जाएगी और जब आप ये कार्य करना शुरू कर देंगे तभी कह पाओगे कि गौ हमारी, गौ हमारी जन्म जन्म का। जब गौ माता की सेवा करोगे ना तभी कह पाओगे और तभी श्रेष्ठ गुरु भी मिलेगा जीवन। नहीं तो ऐसे गुरु मिलेंगे कोई कान में मंत्र फूंक करके चला जाएगा, कोई बौद्धिक गुरु मिल जाएगा और अपना भी कल्याण नहीं होगा, गुरु का भी कल्याण नहीं होगा। तो गौ माता के संकल्प के लिए हम लोग क्या हो? प्रतिबंधित हो। गौ माता के लिए हम लोग अग्रणीय हो। गौ बचेगी राष्ट्र बचेगा, विश्व बचेगा, चारों ओर सुख और शांति का वातावरण बनेगा। गाय के अंदर वो एनर्जी, वो शक्ति है। तो भगवान सांदीपन ऋषि के आश्रम में भी अगर गए हैं तो वहां जाकर के भी क्या कर रहे हैं? भगवान गौ माता की सेवा कर रहे हैं। गुरु बिन भवानी दीता रही न कोई, गुरु बिन भवानी दीता रही न कोई, जो बिरंची शंकर समे होई, जो बिरंची शंकर समे होई, गुरु बिन भवानी दीता रही न कोई, गुरु बिन भवानी कल्याण नहीं होगा, कदाचित नहीं होगा। चाहे कितना भी प्रयास कर ले बिना गुरु के स्टैंड नहीं हो पाएंगे, आगे ही नहीं निकल पाएंगे हम लोग। सात दिन की कथाएं हमने सुनी है, इस सात दिन की सफर में आप लोगों ने कितनी कथाएं सुनी है, प्रभु चिंतन के विषय में कितना बताया गया है, लेकिन हमने यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। एक भी बहन ने आकर के नहीं पूछा कि महाराज जी हमें भी जप करने का कोई तरीका बताओ, कोई साधना का तरीका बताओ, किसी ने नहीं पूछा। नहीं नहीं, जप तप नहीं चाहिए, पर कुछ ये बता दो। और ने तो पूछा ये कैसे आए, है ना? सब दो चार बहनों का ये तो आया कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, उसके विषय में बता दो, पैसा कैसे आएगा। पैसा आता है तो रुकता नहीं है, पैसे के बारे में पूछ रहे हो, धन के बारे में पूछ रहे हो, कथा में बैठ करके धन का चिंतन कर रहे हो, धन के विषय में पूछ रहे हो। यहाँ पर बैठ करके आत्मिक कल्याण के विषय में पूछो कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें अनेक पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी, हमारा जीवन सुंदर कैसे होगा, स्वच्छ कैसे होगा, आने वाला जो लोक है परलोक है हमें अच्छा लोक कैसे प्राप्त होगा, इसके विषय में आज कोई चिंतन नहीं कर रहा है। बस इजी मनी, चाहे चोरी से आए, चकारी से आए, नीति से आए, नीति से आए, बस धन आना चाहिए। महाराज जी बता दो धन आएगा कहां से, पैसा बता दो आप। जब जब भी मनुष्य परमात्मा को छोड़ करके, साधनाओं को छोड़ के, प्रभु चिंतन को छोड़ करके धन की ओर बढ़ता है तो वह अपना पतन स्वयं ही कर लेता है। जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है।
जहाँ सरस्वती होती है वहाँ पर धन हमेशा भरे रहते हैं, और जहाँ पे ना सरस्वती है ना ज्ञान है ना नारायण है तो वहाँ पर कहाँ से धन आएगा। अगर धन आ भी गया है तो आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। बोली सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए गाइए हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, और हमारे हैं श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। दोनों बोले प्रसंग गुरुवाणी पर चल रहा है। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सारे गुरुओं का जिक्र हमारे पुराणों में है और सदैव व्यास जी महाराज सुना रहे हैं। आपने 14 अखाड़ाओं का नाम सुना होगा जिनमें तरह तरह के सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, वैरागी हैं, माताएं हैं, बहने हैं जिनके संस्कार हो चुके हैं, उन्होंने समाज में दीक्षा दी है। तो इस उद्देश्य से दिए कि समाज अपने घर में अपने परिवार में बैठकर जब ध्यान और साधना स्वाध्याय करे, इसलिए नहीं दिए कि तुम मेरे अखाड़े में चलकर आ जाओ और बस यहाँ बैठकर सेवा करो, यहाँ हर सप्ताह सत्संग होगा, ऐसा हमारे किसी अखाड़े में देखने को नहीं मिलता। त्यागी और सन्यासी, वैष्णव, वैरागी तरह तरह के अखाड़े हैं और उनमें तरह तरह के संस्कार के संत और उनकी तरह तरह की पाठ और पूजा है। उद्देश्य एक ही होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में बैठकर साधना और स्वाध्याय करे। और एक वो भी गुरु हैं जो घर में नहीं सिखाएंगे, आप हमारे भवन में आइए, आश्रम में आइए, केवल यहाँ सेवा करिए, यहाँ सीखिए, यहाँ करिए, घर में हो या ना हो। जो चीज घर में होगी तब कहीं जाकर उसका मैसेज बाहर जा पाएगा। घर में तो है नहीं, अपने मन में तो है नहीं, तो बाहर भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इन चीजों को बहुत डीपली सोचकर समझकर अपने जीवन में दीक्षा ग्रहण करें, और बिना दीक्षा के कोई ना रहे। कोई व्यक्ति निगुरा होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो शास्त्र कहता है उसका किया हुआ सत्कर्म, दिया हुआ दान निष्फल चला जाता है, उसके पितर भी उसकी तिलांजलि स्वीकार नहीं करते। आचार्य जी बैठे हैं, आप पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं जो मैं विचार बोल रहा हूं। इसलिए भाव से अपने गुरु महाराज को स्मरण करें। और हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, हमारे है श्री गुरुदेव हमें किस बात की चिंता, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, 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 गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। Thank you.
गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे से लौटने के बाद सबसे पहले जरासंध ही युद्ध करने के लिए आया। 17 बार भगवान से युद्ध किया लेकिन जीत नहीं पाया। 18वीं बार उसके राज्य में रहने वाले संत महात्माओं ने कहा कि जिससे आप युद्ध करने के लिए जा रहे हो वो स्वयं नारायण है। वह नारायण जो ब्राह्मणों से बहुत प्रिय है, 10,000 ब्राह्मण अपने यहाँ जप करने के लिए बिठा दिए और वे ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु एक बार जरासंध के सामने से अपना रथ हटा लीजिए। 18वीं बार भगवान ने जरासंध के सामने से अपने रथ को हटाया, भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। भगवान ने समुद्र में जाकर विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण कराया और रातों रात अपनी माया से अपने समस्त बंधु बांधवों को द्वारिका में प्रवेश कराया। अब सुंदर जीवन, एक शांतिमय जीवन, लंबे अरसे के बाद सबसे पहले विवाह होना चाहिए बलराम का, क्योंकि बड़े भाई हैं। रेवत नाम की पुत्री रेवती के साथ में बलराम का विवाह हुआ, सुफल और सुखकारी। और आज हम लोग वैवाहिक मंगल की बेला पर यहाँ पर उपस्थित हैं, लक्ष्मी और नारायण के विवाह पर हम लोग सम्मिलित हुए हैं। विवाह की रस्में हम लोग प्रारंभ करेंगे, उससे पहले मांगलिक गीत गाया जाएगा। मांगलिक गीत गा करके विवाह के प्रसंग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बोले नारायण भगवान की। अब जो यहाँ दूल्हे वाले बैठे हैं वो जरा देखें आपका दूल्हा किधर सजा हुआ है, वहां तक चले जाएं और बड़े ही गाजे।
हाथों में मेहंदी लगा दे,
ओम स्वस्ते हे स्वस्ते न इंद्रो वृध सर्वा स्वस्ते न पूखा विश्व वेदा स्वस्ते नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु मङ्गलम्। लड्डूअन का भोग लागे संत करे सेवा तुझे पूजे दुनिया सारी प्रभुआ जय जय गणेश काटो कलेश जय जय कले
बिहारी एक रंग दया चार भुजधारी माल बेचर सोए मुझे की सवारी तुझे पूजे दुनिया सारी प्रभुआ जय जय गणेश काटो गणेश 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 बोलो गणेश भाभी हो मोटे मोटे नैनन के तू मीठे मीठे बैनन के तू सावरी सूरत के तू प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू ओ बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे बाके बिहारी कजरारे तेरे मोटे मोटे ने कोई नजर ना लग जाए होए होए नजर ना होए होए नजर ना लग जाए लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 नजर ना लग जाए होए 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 मेरा जिगर मरोड़े होए होए काजल के कोरे होए होए मेरा जिगर मरोड़े रंग रस में बोरे रंग रस में बोरे मैं तो वारी ने कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन कोई नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए काजल होए होए मेरा जिगर है घायल आंखों का काजल मेरा जिगर है घायल ओ करीदारी रे कजरारे तेरे मोटे मोटे नैन होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए लटकन तेरे हाँ तेरे मुकुट की लटकन होए 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 तेरे अदर की मुस्कान होए अदरन की मुस्कान होए होए क्रीमी सी मटकन होए 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 क्रीमी की मटकन होए 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 बलहारी रे कजरारे तेरे मु
ना लग जाए ओए होए नजर ना लग जाए तेरी जीत है तेरी मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे मैं कोई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे मैं नजर ना लग जाए 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 ऊंची डगरी मोर शाम की मुँह पे चढ़ो ना उतरो जाए कह दीजो मोर शाम से मेरी बैया पकड़ी ले जा और कैसी मुरली बजाई शाम ने मेरी सुधी भी सिराई शाम ने कैसी मुरली बजाई शाम ने मेरी सुधी भी सिराई शाम ने कैसी मुरली बजाई शाम ने कैसी मुरली बजाई शाम ने मेरी सुधी भी सिराई शाम ने कैसी मुरली बजाई शाम ने सुधी भी सिराई शाम ने मैं हुई दीवानी मैं हुई मस्तानी मैं हुई मस्तानी वो कैसी बंसी बजाई शाम ने मेरी सुधी भी सिराई शाम ने कैसी बंसी बजाई शाम ने Yeah.
लगनी लगाई श्याम ने, कैसी लगनी लगाई श्याम ने, मेरी फूटी भी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, वो कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी फिराई श्याम ने। छोड़ लो लाज श्याम तेरी में हो गई, छोड़ लो लाज श्याम तेरी में हो गई, कैसी लगन लगाई श्याम ने, कैसी लगन लगाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने, कैसी लगन लगाई श्याम ने, मेरी सुधी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी भी फिराई श्याम ने। दूसरा
दिल दीवाना हो गया। Oh, my God.